नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पर। आज तुषार जी ने राजकोट से, जो कि हैं गुजरात राजकोट से, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि प्रश्न क्या है कि एक 40 पोल 150 RPM पे अल्टरनेटर घूमने वाली, अगर इस अल्टरनेटर को हम एक्स्ट्रा स्पीड दें तो क्या हो सकता है, मतलब कितना ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं कि इसकी सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, जैसे वाइंडिंग हो गया और इक्विपमेंट सारे, तो एक किस हद तक सुरक्षित रहेंगे, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। इनका जो प्रश्न है एक अल्टरनेटर के बारे में है, और जिन लोगों जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए मैं बता दूं कि अल्टरनेटर क्या होता है। एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल ऊर्जा को सीधा हम विद्युत ऊर्जा में पा सकते हैं, और मिलता भी है। एक इस तरीके का होता है AC, यानी अल्टरनेटिव करंट इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम घरों में अपने यूज करते हैं। तो अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेटर जो होता है उसके मुख्य जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं। पहला तो बॉडी हो गया, और उस बॉडी में एक बाइंडिंग फिट की जाती है, जो बाइंडिंग क्या करती है, एक बाइंडिंग फिट की जाती है। उस बाइंडिंग में क्या होता है कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वाइंडिंग में उत्पन्न करके देती है। अल्टरनेटर में जो बाइंडिंग होता है वो घूमता नहीं है, इसमें घूमता रोटर है। उस रोटर पे भी एक प्रकार की वाइंडिंग ही होती है, बट वो हमें दिखाई नहीं देती, डायरेक्ट दिखाई नहीं देती। हम कई बार बड़े अल्टरनेटर में क्या देखते हैं कि उसमें पोल घुमाया जाता है और रोटर को स्थित रखा जाता है, और छोटे अल्टरनेटर में आप देखते हो कि रोटर घूमता है और वाइंडिंग को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पोल, बड़े अल्टरनेटरों की बात कर रहे हैं, जब हम पोल को घुमाते हैं, पोल मीन्स जो चुंबकीय फील्ड है उसको ही घुमाते हैं, वो छोटा होगा आकार में, एक लिमिटेड होगा, तो जब हम उसको घुमाते हैं तो बहुत सारे वाइंडिंगों को, अगर बड़ा आकार का है तो बहुत सारे वाइंडिंगों को काटेगा, मतलब उसके अपने चुंबकीय फ्लक्स द्वारा काटेगा, जिस वजह से उसमें अधिक विद्युत ऊर्जा और अधिक मात्रा में हमें जो उसकी क्षमताएं होंगी वो बढ़ के मिलेंगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब हमें, जैसे बांध के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है, या फिर कोयले के द्वारा स्टीम, वहाँ पर भी हम ऐसे बड़े साइज के अल्टरनेटरों का प्रयोग करते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है कि फील्ड जो होता है, चुंबकीय फील्ड वो घूमता है, और बाकी वाइंडिंग जो रहती है, जो डायरेक्ट हमें सप्लाई देती है, वो स्थिर रहती है। बाकी छोटे अल्टरनेटर में आप देखोगे कि वाइंडिंग घूमता है और पोल स्थिर रहता है, जैसा कि आप DC जनरेटर में अक्सर देखे ही होंगे। उसमें क्या रहता है कि चुंबक जो रहता है, आप अपने घरों में खिलौने के मोटरों में भी देखे होंगे कि जो चुंबक होता है वो स्थिर रहता है और वाइंडिंग घूमती है, छोटे मोटरों में। अल्टरनेटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर जो होगा बड़े साइज का होगा, अगर हम 150 RPM, अपने प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा प्रश्न है कि 150 RPM से अगर अधिक करेंगे तो क्या होगा। सबसे मेन बात क्या, अल्टरनेटर जो होता है AC पैदा करता है, और AC की एक सबसे मेन बात होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ही की वजह से ही उसको AC कहा जाता है, और यानी प्रत्यावर्तीय धारा। तो जब हम स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड के ही एकदम समानुपातिक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, यानी स्पीड के जस्ट एक दूसरे के बराबर होता है। अगर हमने स्पीड बढ़ाया 150 से 200 RPM कर दिया, यानी हमें, मान लीजिए अगर 150 RPM पे अगर हमें 50 हर्ट्ज मिल रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा होता है पोल के अनुसार, तो फिर हमें, अगर हम उसी पोल को स्थिर रख के अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो हमें जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ के मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इक्विपमेंट भारत में अभी भी हम अपने घरों में जो यूज करते हैं, वो 50 हर्ट्ज पे ही यूज करने लायक बनते हैं। और एक यूनिवर्सल टाइप भी आते हैं, जो जो चीज़ें यूनिवर्सल टाइप होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल चीज़ों के लिए मैं, एक जो यूनिवर्सल टाइप चीज़ें होती हैं उनको किसी भी देश में हम किसी भी फ्रिक्वेंसी पे चला सकते हैं, मतलब उस देश की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है, जैसे 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, यही दो फ्रिक्वेंसी लेवल ही पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। तो यूनिवर्सल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। अभी बात करते हैं हम इस पर 50 हर्ट्ज पे। जब हम स्पीड ऑल्टरनेटर की बढ़ाएंगे, तो हम स्पीड बढ़ाने के बाद हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और जो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पहले तो ऑल्टरनेटर खराब हो चाहे ना हो, बाकी इक्विपमेंट जो हमारे घरों में हैं, जो जिस जिस चीज़ का हम यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेटर से, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, उनकी वायरिंग, उनके वायर्स सब, मतलब जलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर 50 हर्ट्ज 1 सेकेंड में या 1 मिनट में हो रहा है, तो वही फिर टाइमिंग हो जाएगा 60, यानी 60 या 100 भी हो जाएगा। तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह एक तरीके से एक झटके में ही इतना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो उसकी बनावट है जिस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, उससे बिल्कुल ही भिन्न हो जाएगी, और इस वजह से उसमें बहुत सारी चीज़ें
खामियां आने की गुंजाइश है। तो पहले अल्टरनेटर खराब हो जाए ना हो, उससे चलने वाली बाकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते, जो हमारा मानक है अगर हमें 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी चाहिए तो हमें उतनी ही चाहिए, तो उसके हिसाब से ही स्पीड रहनी चाहिए, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे घटाएंगे दोनों में ही हमारा ही नुकसान है। तो इसका ख्याल रखें आप। सबसे मेन बात, और एक बात, स्पीड को बढ़ाते हैं तो आपको पोल घटाना पड़ेगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज ही आपको चाहिए। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, भले आप स्पीड बढ़ाएं या कुछ भी करें, आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है। तो इसका फ्रीक्वेंसी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपको दोनों चीज़ें मैंने बता देंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे मेन बात है और उसके बाद आप चाहे जो करें, बट स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज समझ में आई होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।